आप सुन रहे हैं करंट अफेयर रेडियो धीर सिंह के साथ। आज 14 जून है और आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। हर साल WHO इस दिन को 14 जून को रक्त आधान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाता है। इस साल का नारा है कि गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इस दिन को पहली बार 2004 में मनाया गया था, जबकि 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक रक्तदान का जनक माना जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल विभिन्न देशों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल इटली इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जो 14 जून 2021 को रोम में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा WHO के बारे में जान लेते हैं और फिर देखेंगे हम लोग मैप पे कि ये WHO किस कंट्री में है और किस कंटिनेंट में पड़ता है और किस कंट्री के किस जगह पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित कराने की संस्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुसांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और आप यहां पर देख सकते हैं ये WHO के बारे में कुछ खास। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप में ये स्विट्जरलैंड कहां है। देखिए अगर बात करें तो ये रहा स्विट्जरलैंड का मैप। ये स्विट्जरलैंड का क्या रहा, ये मैं बोलता हूँ, ये फ्लैग है। क्या है? तो फ्लैग है। अब यहाँ पर आते हैं स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो बर्न है। ये किस कंटिनेंट में आता है? तो यूरोप कंटिनेंट में आता है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और भी कुछ है यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये सब उतना मायने नहीं रखता है। अब देखिए आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। तो अब यहाँ पर जो अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है, इटालियन बोला जाता है। ये सारा का सारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब मैप पे देखते हैं कि ये स्विट्जरलैंड है कहाँ। तो ये मैप रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको जर्मनी के आसपास में आपको फ्रांस दिख रहा है, उसके बाद बगल में यहाँ पर मैं इसको जब जूम कर देता हूं तो देखिए यहां पर स्विट्जरलैंड आपको दिखाई देता है। ये है स्विट्जरलैंड। इसी स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहां पर कि जिनेवा, उस जगह का नाम है जहां पर कि WHO का मुख्यालय है। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो हमारा इंडिया कहां है, तो देखिए ठीक इसके नीचे जब यहां इधर जाएंगे तो ये हमारा इंडिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं हमारा इंडिया कहां है। तो इसके नीचे जाएंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पर प्यारा इंडिया है। तो कहाँ से कहाँ आना पड़ा हम लोगों को, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आना पड़ा। देखिए ये रहा हमारा इंडिया। ये तो रहा वर्ल्ड मैप पर स्विट्जरलैंड का स्थान, स्विट्जरलैंड का है। और हमारी इंडिया की बात करें तो वो कहाँ है, तो दिल्ली में है। शुक्र पर ESA द्वारा मिशन। नासा के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने घोषणा की कि उसने एनविजन को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है, जो 2030 के दशक में शुक्र का दौरा करेगा।
ESA के मिशन के मूल में यह सवाल है कि कैसे पृथ्वी और शुक्र एक जो आमतौर पर एक ही आकार और संरचना के हैं, कैसे एक दूसरे से इतने अलग तरीके से विकसित हुए। एनविजन के लिए सबसे पहला प्रक्षेपण अवसर 2031, उसके बाद 2032 और 2033 में है। एक बार एरियन 6 रॉकेट पर प्रक्षेपित होने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने तथा कक्षा की परिक्रमा हासिल करने में 16 महीने और लगेंगे। अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने, वातावरण में गैसों की निगरानी और इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को लेके जाएगी। इसके अलावा जापान का अकात्सुकी अंतरिक्ष यान भी 2015 से ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा आयोजित पहली एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में BRO मुख्यालय से हरी झंडी दिखाई। नई अपशिष्ट जल उपचार तकनीक, तेल के कचरे को पानी से अलग करने वाला एक किफायती विद्युत क्षेत्र सामर्थित झिल्ली पृथक्करण उपकरण विकसित किया गया है। यह नवाचार निम्न स्तरीय और मध्यम उद्यमों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य अपशिष्ट जल उपचार तकनीक है। कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मृत्युदंड जैसे कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार प्रदान करने के लिए ICJ विधेयक 2020 पारित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल 20 साल पहले 12 जून 2001 को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO के एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया था। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत में है, एक नदी है, और मोस्कवा जो कि रूस की है, नदियों पर रखा गया है। यह सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और हवा से मार करने में सक्षम है। यह दो चरणों वाली प्रणोदक प्रणाली, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट है। यह Mach 2.8 की गति वाली दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक, जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। इसकी सीमा शुरू में 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के साथ सीमा को बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। 1000 किलोमीटर से ऊपर की सीमा और मैक 5 की गति के साथ एक उन्नत संस्करण का विकास किया जा रहा है। ब्रह्मोस को 2005 में भारतीय नौसेना और 2007 में भारतीय सेना द्वारा सेवा में शामिल किया गया था। इसका 2017 में SU-30 MKI में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। रूसी राष्ट्र दिवस या रूस दिवस 1992 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 जून 1990 को जब सोवियत संघ विघटन के कगार पर था, USSR के सबसे बड़े गणराज्य RSFR ने राज्य की संप्रभुता की घोषणा की और रूसी संघ बना गया। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR के 1991 में विघटन से पहले कुल 15 गणराज्य थे और सबसे बड़ा गणराज्य RSFSR RSFSR रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य आधुनिक रूस बन गया। 15 गणराज्य USSR से अलग हो गए। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलोरिसिया, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। मिखाइल गोबारचेव विघटन के समय सोवियत संघ के अध्यक्ष थे। बोरिस येल्त्सिन
रूस के पहले राष्ट्रपति बने और 1991 से 1999 तक सेवा की। टीका एक्सप्रेस का प्रारंभ। बिहार सरकार द्वारा 3 जून को टीका एक्सप्रेस अभियान शुरू किया गया था। यह राज्य में 45 से अधिक आयु वर्ग के बीच टीकाकरण में तेजी लाने के लिए है। ईरान को जासूसी उपग्रह सप्लाई करेगा रूस। रूस ईरान को एक उन्नत उपग्रह प्रणाली की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है, जो तेहरान के मध्य पूर्व और उसके बाहर संभावित सैन्य लक्ष्यों को ट्रैक करने के की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करेगा। राम प्रसाद बिस्मिल। 11 जून ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। इसका जन्म 1897 में यूपी के शाहजहांपुर में हुआ। वे कम उम्र से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इन्हें इनके पिता ने घर पर ही पढ़ाया था और बाद में उन्हें उर्दू सीखने के लिए एक मौलवी के पास भेजा था। वे अपने शिक्षक सोमदेव के माध्यम से उपनिवेशी विरोध संघर्ष से जुड़े। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के बाद बिस्मिल भूमिगत क्रांतिकारी संगठन मातृवेदी के संपर्क में आए। 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में अपनी भागीदारी से उन्हें एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्धि मिली। बिस्मिल ने बिस्मिल, राम और अज्ञात के उपनाम से उर्दू और हिंदी में देशभक्ति की कविताएं लिखी। उनके द्वारा लिखी पुस्तकें अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, बोल्शेविकों की करतूत तथा पैम्पलेट देशवासियों के नाम संदेश। उन्होंने रूसी नारोडनिक नेता कैथरीन ब्रेस्कोवस्की की जीवनी द लिटिल ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का अनुवाद किया। यह है रशिया का फ्लैग, देख सकते हैं आप। रशिया कंट्री, इसका जो कैपिटल है वो मॉस्को है और ये यूरोपीय कंटिनेंट में पड़ता है। रशियन फेडरेशन ऑफिशियल नाम है इसका। करेंसी रशियन रूबल। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज वो रशियन और कुछ अदर भाषा भी बोली जाती है। तो मैप पे ये रहा रशिया। रशिया के बगल में देखेंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं कजाकिस्तान है, यहाँ पर कजाकिस्तान है, यहाँ पर मंगोलिया है और यहाँ पर रशिया है। देखिए रशिया के ठीक नीचे जाएंगे तो मंगोलिया है, मंगोलिया के ठीक नीचे जाएंगे तो चाइना है और चाइना से ठीक आप अगर इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है। तो फिर से एक बार देख लीजिए हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर चाइना है और फिर यहाँ पर मंगोलिया है और उसके ऊपर जाएंगे तो ये रशिया का क्षेत्र है। अगर रशिया में बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी की है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिलीजन है। यहाँ पर ये रिलीजन का दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये रिलीजन का सारा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस्लाम भी है और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो गया कौन है तो व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल। देखिए यहाँ का जीडीपी, ये जीडीपी जो है ये 2021 यानी कि 2021 के अनुसार यहाँ की जो जीडीपी है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये 6th जीडीपी यहाँ पर, यानी कि ये जो है ट्रिलियन में है, 4,328 डॉलर में है और ये ट्रिलियन में दिया गया है। पर कैपिटल का भी बात है, जीडीपी भी दिया हुआ है यहाँ पर 2028 एस्टिमेट। रशियन रूबल है यहाँ की करेंसी।
और अब जान लेते हैं थोड़ी सी रशिया के बारे में। रूस की जनसंख्या 146.7 मिलियन है और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही यह यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मॉस्को राजधानी यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा शहर और देश का सांस्कृतिक केंद्र है। देखिए, अगर रूस की बात करें तो यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है, विधानमंडल यानी कि यहाँ का जो उच्च सदन है इसको संघीय परिषद कहा जाता है, निम्न सदन को सीनेट डूमा कहा जाता है,